नरकटियागंज में बिजली के करंट से हुई मजदूर की मौत, परिजनों की मुआवजे की मांग। खबर नरकटियागंज से है, जहां बिजली की हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से नगर के दिवलिया वार्ड नंबर 24 निवासी 40 वर्षीय जगन्नाथ पासवान की मौत सोमवार को घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जो कि मजदूरी कर रहा था तभी सरिया मोड़ने के क्रम में बिजली की हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शिकारपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मंगलवार को दिवलिया ओवरब्रिज के समीप मोहम्मद रहीम के घर के पास शव को रखकर परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की है। बताया जाता है कि मृतक की 5 बेटी व 1 बेटा है, जिसमें 1 बेटी की शादी इसी वर्ष 26 अप्रैल महीने में हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे घर के पास में 5-7 घर के बगल में काम कर रहे थे भैया, हमारे मजदूर थे, ठीक है। उनका 6 बच्चा है, जिनमें 6 बच्ची है, लड़की है, 1 लड़का है। जो एक लड़की का, बड़े लड़की का दिन उतारे हुए हैं 26/4/2022 का, ठीक है। वो करेंट जैसे छड़ घुमा रहे थे, उसके बाद में वो करेंट लग गया, तार थोड़ा डाउन में है, ठीक है। इसलिए मैं सरकार से गुहारी कर रहा हूँ, बन गरीब परिवार से हम लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उनको थोड़ा उनका मुआवजा दिया जाए। उनका 6 बच्चा है, उनका बच्चा को पढ़ाई लिखाई पोषण के लिए किया जाए। क्या नाम हो आपका? सुभाष पासवान नाम पड़ेगा। नरकटियागंज के बैरिया गांव में नल जल योजना अंतर्गत टंकी के फाउंडेशन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री पर ग्रामीणों में आक्रोश। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के भसुरारी पंचायत के बैरिया गांव के वार्ड नंबर 3 में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना के तहत हो रहे काम में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है, गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व मुखिया व वार्ड सदस्य के द्वारा टंकी का फाउंडेशन बनवाया जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का आरोप लगाते हुए प्रखंड प्रशासन से जाँच की मांग की है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में मनमानी को लेकर आक्रोश चरम पर है। भसुरारी के उप मुखिया कुमार सिद्धार्थ के साथ वार्ड संख्या 3 के पार्षद समेत राजेश राम, भरत राम, सुभाष राम के साथ अन्य ने आरोप लगाया है कि नल जल योजना अंतर्गत टंकी के फाउंडेशन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं लोगों ने प्रशासन से निर्माण में घटिया कार्य को रुकवाने के साथ जाँच की मांग की है। वहीं मुखिया उप मुखिया ने बताया कि भसुरारी पंचायत के तकरीबन सभी वार्डों का हाल बेहाल है, अगर प्रशासन वार्ड में हुए निर्माण कार्य की जांच करती है तो कई घोटाला उजागर हो जाएगा। वार्ड नंबर 3 में, भसुरारी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नल जल का काम हो रहा है। इससे पहले हमारे वहां का जो वार्ड है, जब अमर राम जी के द्वारा रोक लगाया गया था, लेकिन आज के डेट में इन लोगों के द्वारा दबंगई से काम किया जा रहा है कि नहीं हम काम करने देंगे, जबकि भसुरारी पंचायत के सारे जितने भी नल जल है सब में करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, जिसका विरोध हमारे जो नए वार्ड सदस्य लोग कर रहे हैं, लेकिन पूर्व मुखिया और पूर्व वार्ड सदस्यों के द्वारा उस पर दबंगई दिखाया जा रहा है कि हम काम करेंगे, आप क्या कर लीजिएगा। तो मैं इस शब्द में अपने थाना पदाधिकारी जो भी है, प्रशासन है, उन लोगों से निवेदन करूँगा कि इस पर रोक लगाया जाए और ऐसे माफियाओं को सजा दी जाए।